ये मेरे पीछे तालाब देख रहे हो आप लोग, ये इसकी कहानी सुनाता हूँ आपको। ये क्या था कि गांव में ना, हमारे पीछे इधर एक गांव है, तो नानी लगती है मेरी वो, तो ये कम से कम हो गई 40 साल पुरानी बात। तो वो यहाँ पे पीछे आना, पहले घाट होता था वहाँ पे, ठीक पीछे मेरे वहाँ पे घाट होता था। तो वो लोग क्या करते थे, गांव में पहले कपड़े धोने आते थे, तो कपड़े धोने आते थे तो नानी मेरी जो है वो नानी लगती हैं, शायद पूछना पड़ेगा मम्मी से क्या लगती हैं। तो वो यहाँ धो रही थी कपड़े, और उनकी छोटी सी बेटी थी 3 या 4 साल की, वो जो है स्लिप हो गई थी इसमें और डूब के एक्सपायर हो गई थी इसी में। तो एक्सपायर होने के बाद अब उसको बहुत ढूंढा बेचारी को, तो मिली नहीं वो, क्योंकि ख़त्म हो गई थी। तो उसके काफ़ी समय बाद जो है उसने लोगों को परेशान करना शुरू किया, पकड़ना शुरू किया। यहाँ पे रहती थी इस तालाब में, कई बार लोगों ने देखा, जैसे बगल से जा रहे होते थे, वे जो आम के पीछे पीछे पेड़ देख रहे हो, ये देखो ये वाला पेड़, ये जो पेड़ है, या अगल बगल जितने पेड़ हैं, सुनने में आता था कि कई बार ऐसे लगता था जैसे आप जा रहे हो, तो ऐसा लगता था कि कोई डाल गिरी, कोई डाल गिरी या कोई गया पीछे से, ऐसा लगता था कई बार लोगों को। और दूध वूध की डेयरी है यहीं बगल में, पीछे मेरे डेयरी भी है, अभी आपको दिखाता हूँ मैं चल के। तो कई बार ऐसा लोगों को लगता था कि किसी ने छुआ, कई लोगों को पकड़ भी लेती थी। अगर गांव में जैसे कोई डीजे या कुछ बजा रहा है तो उसको भी इफ़ेक्ट करती थी, बजने नहीं देती थी। तो जैसे हनुमान चालीसा बजाते थे या कुछ करते थे, तो सुनने में आता था कि भाई जैसे किसी को पकड़ लेती थी या परेशान करती थी, तो पता चलता था क्यों पकड़ा है, तो बोलती थी अच्छा लग रहा है या ऐसा वैसा कुछ कुछ भी एक्स वाई जी रीज़न बता देती थी वो। तो ये कहानी थी इसकी, हॉन्टेड प्लेस है यार ये। और अपने मामा के घर की भी बताता हूँ आप लोगों को, हालांकि बताना नहीं चाहिए पर बताऊँगा ज़रूर। मेरे पीछे ना देखो, ये देखो ये बगल से रास्ता गया हुआ है, ये जो पेड़ है इसके पीछे देखो पूरा ये रास्ता गया हुआ है, ये तो ये रास्ता भी इन्होंने बंद कर रखा है लोगों ने। अब वो किस वजह से किया है यही लोग जाने, पर है नहीं। पर अब ये सुनने में आए कि अब ऐसा है नहीं कुछ भी, पहले बहुत था अब नहीं है। हो सकता है जैसे इन लोगों की भी एक उम्र होती है, मान लो भी मैं आप हैं कोई एक पार्टिकुलर समय के लिए आए हैं, तो अगर उस समय के बीच में हमें कुछ हो जाता है, तो जो हमारे धर्म शास्त्र हैं, जो शास्त्र कहते हैं यार ये मक्खी बहुत परेशान कर रही है, देखो देखो देखो, तो वो क्या कहते हैं कि आप जितने समय के लिए आओ उतने समय के लिए तो आप रहोगे ही धरती पे, फिर वो चाहे किसी भी फॉर्म में रहो, ह्यूमन बॉडी की फॉर्म में रहो या किसी और बॉडी की फॉर्म में रहो। तो ये कहानी है इसकी। अब फिर ये गांव वालों ने देखो, जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ ठीक उसके बगल से एक ही रास्ता निकाल दिया है। आप लोग अगर विश्वास करते हो ना, तो मेरे को बताना ज़रूर कि हाँ आप भी ऐसे किसी कहानी पे विश्वास करते हो।